Hello everyone, welcome to our YouTube channel SSIT Gandhinagar. Myself Professor Vaibhav Solanki from Sri Swaminarayan Institute of Technology. Today we will discuss on lecture number 17 of chapter 6 Harbour and Airport Engineering. So हमारा जो subject है 8th semester civil में Harbour और Airport Engineering, जिसके part A Harbour Engineering के chapter number 6 port amenities और navigational aids के बारे में हम जो discuss कर रहे थे. So navigation aid में जो important lecture है हमारा lecture number 17 जिसका नाम है importance and types of navigation aid, जिसके अंदर fixed structure के बारे में आज हम discuss करने वाले. So आज के इस lecture में सबसे पहले मैं आपको सिलेबस के बारे में डिस्कस कर देता हूँ कि जो चैप्टर नंबर 6 है उसमें जीटीयू सिलेबस वाइज पोर्ट अमेनिटीज एंड नेविगेशन एड के हिसाब से जो हमारे पास सिलेबस और कंटेंट है वो इस हिसाब से, उनमें से हमने प्रीवियस जितने भी लेक्चर हुए उनमें से हमने ब्रिज, फेरी, ट्रांजिट सेट, वेयर हाउस और कोल्ड स्टोरेज जितनी भी पोर्ट अमेनिटीज है उसके बारे में डिस्कस कर लिया है. अब ये दो और तीन लेक्चर में हम नेविगेशन एड के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें टाइप्स ऑफ नेविगेशन एड जो फिक्स्ड है और जो फ्लोटिंग है इन दोनों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको बात करूँ कि एड टू नेविगेशन, उसको डेफिनेशन के साथ हम समझना चाहें तो हमने बहुत बार ये आप इमेज सब देख सकते हो, तो कहीं ना कहीं हमने हार्बर पे इस टाइप की इमेज, इस टाइप के स्ट्रक्चर देखे हैं. तो ये टाइप के स्ट्रक्चर को हम नेविगेशन एड्स बोलते हैं, और जिसका पर्पस क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, ये सभी के बारे में हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करते हैं. सो एड टू नेविगेशन का मतलब क्या है? सो द टर्म एड टू नेविगेशन मीड मींस एनी ऑब्जेक्ट और डिवाइस एक्सटर्नल टू अ वेसल्स दैट इज इंटेंडेड टू असिस्ट अ नेविगेटर इन अ फिक्स्ड हिज पोजिशन और डिटरमाइनिंग अ सेफ कोर्स पास्ट हैजर्ड्स टू नेविगेशन. सो इसका मतलब यह है कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट या डिवाइस है उसके एक्सटर्नल टू अ वेसल दैट इज इंटेंडेड टू असिस्ट अ नेविगेटर इन अ फिक्स हिज पोजिशन, कि कोई भी पर्टिकुलर फिक्स पोजिशन पे नेविगेशन इस हिसाब से हम ऑब्जेक्ट और डिवाइस पुट करेंगे जिसके थ्रू जो भी वेसल्स है उसको हम नेविगेट कर सके, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे सके जिसके हिसाब से वो सेफली उसको हम डिटरमाइन कर सके, और जो हैजर्डस है और नेविगेशन के हिसाब से हम जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं, ठीक है, नाइट ड्यूरेशन में बेसिकली, तो उन सबको हम सेव कर सकते हैं, तो उसको हम प्रॉपर डायरेक्शन दे सकते हैं. तो इस चीज़ को हम एड टू नेविगेशन बोलते हैं. It include both fixed and floating objects such as lights, light ship, buoys, day beacons and fog signal plus electronic aid navigation such as a radio beacons. They also serve to warn of hidden danger and assist in making landfall when approaching from the high sea. कोई भी high sea पे अगर hidden danger है या कोई danger situation है, landfall है, तो उसको भी हम वहां से नेविगेट कर सकते हैं. सो दे ऑल्सो प्रोवाइड अ कंटिन्यूस चेन ऑफ चार्टेड मार्स शोइंग इम्प्रूव चैनल एंड असिस्टिंग इन अ कोस्टल पायलोटिंग, कि जो भी कोस्टल एरियाज है वहां पे कोस्टल पायलोटिंग को असिस्ट करने के लिए नेविगेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो ये बेसिक डेफिनेशन है एड टू नेविगेशन की. इम्पोर्टेंस क्या है कि पहली चीज एनहेंस द सेफ्टी एंड कैन एक्ट एज अ गुड सेफ्टी बैरियर्स, सेफ्टी को एनहेंस करने के लिए हार्बर साइड पे और एज अ गुड सेफ्टी बैरियर्स को हम इसका यूज कर सकते हैं. हेल्प इन इम्प्रूव सेफ्टी एज एट अ सी के पास जो सेफ्टी इम्प्रूव करने के लिए, फाइंडिंग एंड सेफली नेविगेटिंग अ नैरो चैनल इन अ वाइड एक्सपेंस ऑफ द वाटर, वाइड एक्सपेंस जो वाटर फेच होता है वो एक्चुअली बहुत ही एक्सपेंस और वाइड होता है, ठीक है, तो इस जगह पे नैरो चैनल को नेविगेट करना बहुत ही डिफिकल्ट रहता है, तो वो सेफली कोई भी वेसल्स वहाँ से आ रहा है और हार्बर की डायरेक्शन में आ रहा है तो उसको सेफली नेविगेशन हार्बर नेविगेट हो सके और फाइंड हो सके, इसके हिसाब से जो नैरो चैनल है वो फाइंड कर सके,
तो इसके लिए नेविगेशन एड बहुत ही जरूरी है। ऑल्सो हेल्प मरीनर्स इन अ डिटरमाइनिंग देयर पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू लैंड और नेविगेशनल हैजर्ड और हिडन डेंजर। उसके साथ साथ नेविगेशनल हैजर्ड, बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं नेविगेशनल, उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं। हिडन डेंजर्स को भी, लैंडफॉल जैसी सिचुएशन को भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। और लैंड की जो पोजीशन है, अपर मरीनर्स है जो यूज करते हैं मरीन का, तो उसको भी लैंड पोजीशन डिटरमाइन करने के लिए नेविगेशन एड बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेविगेशन एड की। तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के हिसाब से देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेविगेशन एड। फर्स्ट वन इज फिक्स स्ट्रक्चर और सेकेंड इज फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। आज के इस लेक्चर में हम फिक्स स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड अदर बेस्ड कंडीशन डिपेंडिंग अपॉन द सर्विस एंड विजिबिलिटी, दे आर फोर टाइप्स ऑफ नेविगेशन एड। कोस्ट अप्रोच लाइट स्टेशन, ऑब्स्ट्रक्शन लाइट स्टेशन, अप्रोच चैनल लाइटिंग एंड हार्बर लाइटिंग। तो इस हिसाब से हम नेविगेशन एड को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले फिक्स्ड नेविगेशन एड के साथ हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो फिक्स्ड नेविगेशन स्ट्रक्चर क्या है और कितने कितने इसके टाइप्स हैं? सो फिक्स्ड नेविगेशनल एड, दे आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ नेविगेशनल स्ट्रक्चर इन फिक्स्ड टाइप। फर्स्ट वन इज अ लाइट हाउस, सेकंड इज बीकॉन लाइट्स, थर्ड वन इज अ लाइट्स ऑन पेयर वार्स। मैं सीक्वेंस में बात करूं तो ये तीन टाइप्स के नेविगेशन स्ट्रक्चर है, नेविगेशन लाइट्स ऑफ पेयर, ठीक है, दूसरा है बीकॉन लाइट्स और तीसरा है लाइट हाउस। तो इन तीन चीजों में से हम सबसे पहले नेविगेशन लाइट्स ऑफ पेयर की बात करें, तो यहाँ पे इमेज में देख सकते हो कि ये जो एंट्रेंस है, कोई भी हार्बर का एंट्रेंस है, तो उसके जो दोनों पेयर है उस पेयर के एंड पॉइंट पे लाइट्स ऑफ पेयर, नेविगेशन लाइट्स प्रोवाइड की है, तो इसको हम नेविगेशन लाइट्स ऑफ पेयर बोलेंगे। सो फॉर नेविगेशन नल पर्पज एट द पोर्ट और हार्बर लोकेट द लाइट सिस्टम द पेयर। इसके हिसाब से लाइट सिस्टम के थ्रू हार्बर का एंट्रेंस लोकेट करने के लिए ये यूजफुल है। दूसरा है बीकॉन लाइट्स। सो अ बीकॉन इज अ इंटेंशनली कॉन्सेप्टियस डिवाइस डिजाइन टू अट्रैक्ट अटेंशन टू अ स्पेसिफिक लोकेशन। कोई स्पेसिफिक लोकेशन को अट्रैक्ट करने के लिए इंटेंशनली ऐसी डिवाइस को हम बनाए और वहां पे रखे, तो उस डिवाइस को हम बीकॉन कहेंगे। बीकॉन कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ अ सेमाफोरिक और अदर इंडिकेटर टू प्रोवाइड अ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सच एज द नेविगेशन ऑफ द शिप। कि शिप के नेविगेशन के लिए सेमाफोरिक के साथ इंडिकेटर प्रोवाइडेड होते हैं, जिसके थ्रू हम बीकॉन्स के थ्रू हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। बीकॉन हेल्प गाइड नेविगेटर टू देयर डेस्टिनेटर। कि जितने भी गाइड है उसको डेस्टिनेशन तक नेविगेट करने के लिए बीकॉन हेल्पफुल रहता है। सो टाइप्स ऑफ द नेविगेशनल बीकॉन्स लाइक रडार रिफ्लेक्टर, रेडियो बीकॉन्स एंड सोनिक एंड विजुअल विजुअल सिग्नल। सो इन तीन टाइप के नेविगेशनल बीकॉन्स हमारे आसपास देखते हैं हम हार्बर के आसपास, जिसमें से है रडार रिफ्लेक्टर, दूसरा है रेडियो बीकॉन्स और तीसरा है सोनिक एंड विजुअल सिग्नल। सो रडार रिफ्लेक्टर क्या है, सबसे पहले इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं। तो रडार रिफ्लेक्टर बेसिकली रडार बीकॉन एट द रेंज ऑफ द पोर्ट एंड रडार बीकॉन, इस हिसाब से ऐसे रेंज ऑफ द पोर्ट पे बीकॉन्स फिक्स होते हैं, जिसमें रडार रिफ्लेक्टर एज अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन सिस्टम दैट अवेलेबल होती है वहाँ पे, दैट यूज रेडियो वेव्स एंड डिटरमाइन द रेंज अगेन एंगल एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दिस इज कॉल्ड द रडार रिफ्लेक्टर। सेकंड है रेडियो बीकॉन्स। सो इस हिसाब से लैंड पे और रेडियो बीकॉन्स इन द सर्फेस ऑफ द सीज पे हम अवेलेबल करते हैं। सो रेडियो बीकॉन इज अ ट्रांसमीटर एट नॉन एज अ लोकेशन ऑन अ स्पेसिफिक रेडियो फ्रिक्वेंसी। पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी को लोकेशन वाइज फाइंड करने के लिए रेडियो बीकॉन्स यूज होते हैं। और सोनिक और विजुअल सिग्नल है, विजुअल सिग्नल और विजुअल बीकॉन्स रेंज फ्रॉम अ स्मॉल एंड सिंगल पाइप स्ट्रक्चर टू लार्ज लाइट हाउस
and light station and can be located on the land or water. They are also used for light navigation ships and harbors. Fixed light, occulting light and flash light and color light are used in the sonic and visual signal. So this is the three types of beacons signals. Then third or important types of fixed type navigation aid is a lighthouse. So lighthouse kya hai? It is a lofty structure popularly built of masonry or reinforced concrete in the shape of tall tower on a high pedestal. कोई भी एक high pedestal पे as a tall tower के shape में masonry और reinforced concrete का जो structure हम बनाते हैं, build करते हैं और उसके ऊपर एक lofty structure build करते हैं, उसको lighthouse बोलते हैं. So the tower is divided into conventional number of the floors. कि conventional number के floor में tower divided होता है. So topmost of the floor containing the powerful lighting equipment. जहाँ पे powerful lighting equipment top floor पे होता है. And its operating machinery. Lower floor are used as a store and living rooms necessary for the maintenance and working of the light station. So the main part of the typical lighthouse tower are illustrated in a figure. तो मैं बिलो एक फिगर उसमें लाइट हाउस इंडिकेट किया है, उसके थ्रू हम समझ सकेंगे कि किस हिसाब से वो मेंटेन होता है. सो बेसिकली इन अदर केस एज अ मैटर ऑफ कन्वीनियंस एंड अर्जेंसी ऑल द रिक्वायरमेंट फॉर द एफिशिएंसी एंड अनफेयर मेंटेनेंस ऑफ द वर्किंग लाइट हाउस लाइक अ स्टोर एंड स्टाफ क्वार्टर एंड प्रोवाइड अ लाइट हाउस स्टाफ. तो बहुत सारे केस में लाइट हाउस स्टाफ को वहाँ पे रूम की और मेंटेनेंस रूम की भी फैसिलिटीज होती है. एसेंशियली रिक्वायर्ड टू असिस्ट नेविगेटर इन अ कंडक्ट द वेसल ड्यूरिंग नाइट आवर. नाइट आवर में नेविगेटर को कंडक्ट करने के लिए यूजफुल है. देयरफॉर अ नेविगेटर मस्ट बी हैव नॉलेज ऑफ द लाइट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एड नेविगेशन. लाइट हाउस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट लाइटिंग नेविगेशनल एड आर प्लेस्ड इन हेड विद अ पावरफुल लाइट and assist the navigator or wherever danger require in a warning. तो इस condition में lighthouse का use होता है. यहाँ पे photograph में देखते हैं कि ये lighthouse दिखाया गया है Portugal's का, Goa का. तो ये जो lighthouse है वो बहुत ही popular lighthouse है. ठीक है, तो ये आप देख सकते हो schematic diagram के साथ. यहाँ पे मैं कुछ lighthouse का डायमेंशन दिखा था. सो द हाइट ऑफ द डायमेंशन ऑफ द लाइट हाउस अराउंड द वर्ल्ड वेरी ग्रेटली डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन एंड यूजेस. लाइट हाउस कैन बी फ्रॉम 80 फीट टू 200 फीट. 80 फीट से लेके 200 फीट तक वो हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नीड. नीड के हिसाब से वो डिपेंड करता है. सो पर्टिकुलर स्पेस एंड सॉइल बेरिंग कैपेसिटीज वेरी फ्रॉम 50 टू 300 फीट. को उसका जो पेज है वो 50 से लेके 300 फीट तक हम बना सकते हैं. सो द बेस ऑफ द स्ट्रक्चर एट द ग्राउंड लेवल शुड हैव स्ट्रक्चर एरियाज ऑफ नॉट लेस देन 4 स्क्वायर मीटर और 43 स्क्वायर फीट. कि 43 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. सो इस हिसाब से लाइट हाउस को हम स्ट्रक्चर वाइज कंडक्ट करें तो ये इसके डायमेंशन है. सो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने अभी जो फिक्स स्ट्रक्चर के बारे में बात की तो टोटल तीन टाइप्स के फिक्स स्ट्रक्चर है. उससे पहले टाइप्स ऑफ नेविगेशन एड क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर दो टाइप है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग. फिक्स्ड के बारे में आज हमने डिस्कस किया, फ्लोटिंग के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो फिक्स्ड में है नेविगेशन लाइट ऑफ पेयर, बीकॉन लाइट्स सेकंड, और तीसरा है लाइट हाउस. बीकॉन लाइट्स के अंदर हमने तीन टाइप देखे जिसमें रडार रिफ्लेक्टर, रेडियो बीकॉन्स और सोनिक और विजुअल सिग्नल के बारे में डिस्कस किया. सो दोस्तों आज के लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्लोटिंग स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.